हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपेरियन बाई। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश। ये एक बेहतरीन फेस वॉश है जिसको काफ़ी समय से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही लोकप्रिय है। आज हम इसी फेस वॉश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश लगाने के फायदों के बारे में। पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश एलोवेरा के पौष्टिक उपचार और कायाकल्प गुणों से भरपूर है। फेस वॉश धीरे धीरे गंदगी और जमी हुई मैल को हटाता है और त्वचा को शुष्क किए बिना गहराई से साफ करता है। मिश्रण में संतरे के छिलके का अर्क मिलाने से त्वचा जवां और मजबूत बनती है। नीम, तुलसी त्वचा को साफ, कीटाणु रहित और कसकर आपको साफ और मुलायम लुक देता है। चेहरे को साफ और चमकदार बनाए रखने के लिए प्रतिदिन दो बार या आवश्यकता अनुसार बार बार उपयोग करें। पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश का उपयोग मुहासे और उम्र बढ़ने के संकेतों सहित कई त्वचा रोगों के इलाज के लिए किया जा सकता है। ये मुहासों को कम कर सकता है और त्वचा को साफ और स्वच्छ बना सकता है। ये चेहरे पर झुर्रियाँ, उम्र के धब्बे और महीन रेखाओं को कम करने में भी मदद कर सकता है। ये त्वचा को पुनर्जीवित करता है और इसे प्राकृतिक चमक के साथ युवा बनाता है। ये चेहरे को साफ करने के साथ ही गंदगी और धूल भी हटाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इसमें संतरे का छिलका, नीम, तुलसी, एलोवेरा जैसी चीज़ें हैं। इसकी आधार सामग्री के बारे में बात करें तो इसमें एक्वा मुलायम साबुन आधार, विटामिन ए, विटामिन ई, शहद और सुगंधित द्रव्य है। पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश का उपयोग कैसे करें? अपनी उंगलियों पर थोड़ी मात्रा में पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश लें और इसके प्रभावित क्षेत्र को हल्के गोलाकार गति से साफ करें, फिर इसे पानी से धो लें। क्या पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश के साइड इफेक्ट हैं? चिकित्सा साहित्य में पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश का कोई दुष्प्रभाव नहीं बताया गया है। हालांकि आपको पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। सौंदर्य फेस वॉश क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। हल्के साबुन के आधार पर नीम, तुलसी, एलोवेरा और संतरे के छिलके जैसे हर्बल अर्क का एक अनूठा संयोजन जो गंदगी, सीबम, मृत त्वचा कोशिकाओं को साफ करता है, त्वचा के ऊतकों को पुनर्जीवित करके रंग को ताज़ा, चिकना और गोरा बनाता है। इस फेस वॉश में संतरे के छिलके, तुलसी, नीम और एलोवेरा है जो त्वचा पर अपने जादुई प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इसकी पैकेजिंग अच्छी और आकर्षक है। ट्यूब में एक क्लिप ओपन प्रकार की टोपी है जो यात्रा के लिए बहुत अनुकूल है और हैंडबैग में ले जाने पर आसानी से नहीं खुलेगी। संतरे के छिलके की उपस्थिति के कारण फेस वॉश की सुगंध हल्की और मुख्य रूप से साइट्रस होती है। ये सुखद है और धोने के बाद गायब हो जाता है। चेहरा धोने के लिए इसकी थोड़ी सी मात्रा ही काफ़ी है। फेस वॉश का रंग सफ़ेद होता है। फोम बिल्डअप बहुत अच्छा रहता है। इसमें विटामिन सी होती है। संतरे के छिलके मुहासे, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। ये त्वचा को मुलायम और फ्रेश रखने में मदद करता है। त्वचा के अधिक तेल के उत्पाद को कंट्रोल करने में मदद करता है। त्वचा की कई समस्याओं को दूर करने के लिए संतरे के छिलके एक रामबाण उपाय साबित हो सकता है। चेहरे पर मौजूद काले धब्बे, पिगमेंटेशन, टेनिंग और कालापन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप संतरे के छिलके को पीसकर इसका पाउडर बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको प्रकृति में सुखदायक और सूजनरोधी माना जाता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। कुल मिलाकर ये चिड़चिड़ी या सूजन वाली त्वचा, यहाँ तक कि मुहासे प्रवण त्वचा को भी आराम देता है। इस प्रकार इसका इलाज करने पर काम करता है। आप रोजाना नीम फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। औषधीय पौधे के रूप में नीम का उपयोग शायद ही कोई नई बात है, खासकर भारत में। इस जड़ी बूटी का उपयोग भारत में सदियों से स्वस्थ उत्पाद और सौंदर्य उपचार के हिस्से के रूप में किया जाता रहा है। तुलसी के जीवनरोधी और उपचार गुण इसे मुहासे विरोधी फेस मास्क के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बनाते हैं। मुहासे विरोधी फेस पैक बनाने के लिए तुलसी के पत्ते और नीम के पत्ते बराबर मात्रा में लें। इसमें 2 से 3 लौंग डालें और मिश्रण को पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। दोस्तों, ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स नीम, तुलसी, एलोवेरा जो भी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे इस फेस वॉश के अंदर मौजूद हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई से भरपूर है जो आंखों के आसपास के रंग को हल्का करने में मदद करता है।
और इसका ठंडा प्रभाव सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे एक ही बार में दो शिकार हो जाते हैं। रात को आंखों के आसपास एलोवेरा जेल लगाने से काले घेरे दूर हो जाते हैं। शहद को त्वचा पर 10 से 15 मिनट के लिए लगाना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन शहद को रात भर चेहरे पर छोड़ने से इसे अपने जादू चलाने के लिए अधिक समय मिलता है। ये प्राकृतिक नमी अवरोध का समर्थन करके सभी प्रकार की त्वचा को संतुलित करने में मदद करता है और ये मुहासे प्रवण समस्याग्रस्त त्वचा के लिए एक सौम्य और प्रभावी उपचार है। अपनी त्वचा पर विटामिन ई लगाने से इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण नाजुक त्वचा को नुकसान से बचाने में मदद मिलती है। ये अत्यधिक हाइड्रेटिंग भी है। ये एक ह्यूमेक्टेंट और इमोलियंट दोनों है, इसलिए ये आपकी त्वचा को पानी को अवशेषित करने में मदद करता है और इसे त्वचा के भीतर भी फंसाता है। और ये भी देखा गया है कि ये कुछ लोगों के लिए एक्जिमा से राहत दिलाने में भी मदद करता है। सारे इंग्रेडिएंट्स इसको एक बेहतरीन उत्पाद बनाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। धन्यवाद।